हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, यू नो दैट वी आर स्टडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव फिनिश्ड मोर कॉन्सेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन। These two topics has been completed. Now today we will see empirical formula and molecular formula. तो बच्चों, आज हम लोग जो है empirical formula और molecular formula calculate करना सीखेंगे। अगर जैसे कि percentage of compound दिया हुआ है तो किस तरह से हम उसको step by step calculate करेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मोर कॉन्सेप्ट से इजी है, मोर कॉन्सेप्ट भी इजी था। हम लोगों ने बताया कि मोर कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर फार्मूला ना समझ में आए तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल लगा लीजिए। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमें फार्मूला यूज़ करना ही है, ठीक है। एक बार ट्राई करके हर तरह से क्वेश्चन को देख लेना चाहिए, ठीक है। अब जो केमिकल कॉम्पोजिशन था उसमें डायरेक्ट हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना था। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को, कि किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट किस रेशियो में है, कोई भी एलिमेंट किस रेशियो में। अब उसी चीज़ को हम परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आइए हम लोग जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्या है और उसको हम किन किन स्टेप में सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप्स क्या है। फिर जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को और उसके स्टेप को किस तरह से हम उसको यूज़ करके स्टेप वाइज मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से अटैच है। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला में एक पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो उसी पर्टिकुलर इंटीजर से मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड करके जो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करके हम एम्पिरिकल फार्मूला भी पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपल और द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ओके, ऑफ वेरियस एटम एटम्स इन द गिवन कंपाउंड ओके। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है,
कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब इसको हम कैसे ये एम्पिरिकल फार्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला, मेथड ऑफ फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला, मेथड ऑफ फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे हम पाएंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आज पहले उसको हम ये सीखते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो परसेंटेज में होता है, क्या होता है, परसेंटेज में होता है। तो मास पहला काम होता है कि जो मास परसेंट दिया उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट मास परसेंट मास परसेंट इन ग्राम। ओके, मास परसेंट को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 40.7%, ठीक है 40.7%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 में कितना ग्राम है। ठीक है, 100 में कितना ग्राम है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे 0.407 ग्राम। ठीक है, अब अगर कंपाउंड इस तरह से दिए हुए हैं कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो पहले कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद, या पहले कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज को आपस में जोड़ लेंगे और 100 में से माइनस कर लेंगे, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन का परसेंट आएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला स्टेप होता है कि जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। अभी हम सारे पॉइंट्स बता देते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि सेकेंड जो हमारा कन्वर्ट मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हमारा यहाँ से मास ग्राम में आया उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा उसको हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक, बाय डिवाइडिंग इट बाय, इट मीन्स मास बाय मोलर मास। अगर हम मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, सिंपल रेशियो निकालना है, जो हमारा थर्ड स्टेज है, डिवाइड
ईच मोल वैल्यू, जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, वैल्यू बाई स्मॉलेस्ट मोल नंबर, स्मॉलेस्ट मोल नंबर से उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एंड टू गेट अ रेशियो, तो हमें एक वहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। अब उस रेशियो को की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो हमारा होगा वो सिंपलेस्ट होगा, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। ये रेशियो होल नंबर में होगा, अगर वो होल नंबर में नहीं होता है तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको होल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप होता है, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर after writing the symbol, okay। अब ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं और इस स्टेप की मदद से हमें फार्मूला फाइंड आउट करना है। इस स्टेप की मदद से हमें क्या करना है, फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा कन्वर्ट करना है, जो परसेंटेज में है उसको ग्राम में। दूसरा स्टेप हमारा था कन्वर्ट डिवाइड करना है हर एक जो यहाँ पे, सॉरी, दूसरा मास को मोल में कन्वर्ट करना है मोलर मास से डिवाइड करके। तीसरा हमें जो है कि जो भी मोल वैल्यू आएगी उन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू होगी उससे सारे मोल्स को डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट रेशियो पा जाएंगे, और जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो सिंबल के बाद लिख देंगे तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा जान लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चों, ये एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट को बताता है। क्या बताता है? एक्चुअल और एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्टी एलिमेंट्स इन कंपाउंड, ठीक है। अब इसको हमें जो है कि यहाँ पे अब इसे हम
क्या मेथड है इसका, मेथड जानेंगे, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो अब इसका मेथड क्या है इसको हम जानेंगे, इसको स्टेप वाइज जानने के बाद हम लोग फिर तब न्यूमेरिकल लगाएंगे और उस न्यूमेरिकल से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। इस तरह से हमें किसी भी गिवन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्टूडेंट अब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना जान लेते हैं। पहला है डिटरमाइन एम्पिरिकल कर फार्मूला एंड फार्मूला मास फार्मूला मास बाय एबव मेथड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा बाय एबव मेथड, ओके। एंड सेकंड, पहले हम लोग क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं, फार्मूला पहले निकाल ऊपर वाले मेथड से, ठीक है। देन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय सिंपल एडिशन मेथड ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लेकर के सिंपल सा एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे हमें पता लग जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कई तरीके से करते हैं, तो हम जो भी सूटेबल तरीका मिले डिटरमाइन फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला मास बाय सूटेबल मेथड टेबल मेथड सच एज सिंपल एडिशन मेथड और मोल कॉन्सेप्ट सच एज सिंपल एडिशन मेथड और मोल कॉन्सेप्ट ओके। अब इसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन, नेक्स्ट फोर स्टेप इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन, फोर्थ इज द
determine the value of n. n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीका है, हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला है और जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसी की मदद से निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल एम्पिरिकल मास, ओके एम्पिरिकल मास, ठीक, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देंगे, तब उसके बाद हमारा जो है कि एन की वैल्यू आ जाएगी। जब एन की वैल्यू आ जाए तो फिर हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाई एन टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पा जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या हमने स्टेप लगाया, पहला तो स्टेप था हमारा कि एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया, जो इसके पहले वाले टॉपिक में जस्ट इसके ऊपर हमने पढ़ाया था। फिर उसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे सिंपल एडिशन द्वारा एटॉमिक मास के। फिर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, बहुत तरीके हैं मॉलिक्यूलर मास, 2 into वेपर डेंसिटी, मोल कॉन्सेप्ट, जिससे जो सूटेबल मेथड हो उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल मास से, जो एन की वैल्यू आती है लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से, तब हमें जा कर के मिल जाता है एक्चुअल वैल्यू, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन के थ्रू जितना कुछ अब हमने पढ़ा है उसको स्टेप वाइज चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एज कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085%, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड 59 है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले हम लोग पहला काम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए। तो अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे।
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40.687 प्लस 5.085, ये हो जाएगा 100 माइनस 5.712 8 8 16 9 17 and 1 7.45, ओके। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आएगा 54.226% आएगा। अब यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज पता हो गया। अब हम एक जो है कि डिटरमाइन करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर थोड़ा नोट कर लेते हैं, कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085%, एंड ऑक्सीजन 54.226%, ओके। अब ये परसेंटेज हमें पता लग गया, कोई वैल्यू निकालना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक चार्ट बनाना होगा। यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, फिर यहाँ एटॉमिक मास, मास यहाँ पे मोल, थोड़ा इस कॉलम को और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा करेंगे, यहाँ पे जाएगा सिंपल रेशियो, रेशियो, ओके। तो हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया 40%, 687, यहाँ पे 5.0085 और यहाँ पे 54.226 एटॉमिक मास कार्बन का 12 1 और ये हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे 40.687 बाई 12, 5.085 बाई 1 एंड 54.226 बाई 16। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नोट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 3.389, इसकी वैल्यू वही आएगी 5.085, इसकी वैल्यू आएगी 3.390, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे हम बड़ी वैल्यू को क्या करते हैं, घट जो है कि डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपल रेशियो आ जाता है। सबसे छोटा क्या है, ये। तो पहले तो 3.389 डिवाइडेड बाई 3.389 इक्वल टू 1, देन 3.389
उसके बाद लास्ट 3.390 डिवाइडेड बाई 3.389, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। ये हो जाएगा 1.6, 1.5 और ये हो जाएगा 1। इसको एक बार फिर से होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल रेशियो भी हो गया, अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2, 1.5 × 2, 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C2S3O2, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला मास, मास तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 × 12, 3 × 1 प्लस 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 24, 3 + 32, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल करने पर, टोटल करने पे ये वैल्यू आएगी 3549, ओके 59। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला पता कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, टिक लेकर के भी इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मास ये हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × वेपर डेंसिटी 59 है, इसको एक्सच रहने देते हैं। अब वैल्यू ऑफ एन निकालना है, अब मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू 2 × 59 / 59 कट गया, इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। ये जाएगा 2 × C2S3O2, ये जाएगा C4H6O4, ओके। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आंसर, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने इतना जान लिया, अब इससे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।